हेलो दोस्तों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा कंटिन्यू बेस पर चल रहा है सीडीपी बाल मनोविज्ञान का, जो लूसेंट बुक पर आधारित है। टॉपिक वाइज आज हम लोग देखने वाले हैं समाजीकरण की प्रक्रियाएं। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रियाएं का एक क्लास और हो चुका है, आज सेकेंड क्लास है समाजीकरण की प्रक्रिया का। तो जो भी नहीं देखे हैं वो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, पहला क्लास इसका डल चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग चलिए बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया का सेकेंड क्लास के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो आज का क्लास देखिए, पहले क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक किए थे, आज 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। चलिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो क्या शामिल नहीं भाई? आनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों का सीखना, या फिर कौशलों का अर्जन, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। तो देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जो हम समाज से सीखते हैं या समाज को जो देते हैं वो क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो देखिए, आनुवांशिक संचरण ये समाज से मिलता है क्या हमें? समाज से नहीं मिलता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, क्या हो जाएगा? आनुवांशिक संचरण। ये किससे मिलता है भाई? ये हमारे पूर्वजों से मिलता है, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, इनसे हमारे आनुवांशिक गुण मिलते जुलते हैं। तो ये क्या होगा? हमारा आनुवांशिक गुण होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? शामिल नहीं है में शामिल हो जाएगा आनुवांशिक संचरण, क्लियर है। चलिए अगला है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य। देखिए, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या महत्व है? तो देखिए, देखते हैं भाई, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना, या फिर सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या फिर समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो देखिए, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या तात्पर्य? कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित है या फिर शिक्षा ग्रहण कर रहे और समाज में, उनको तो रहना ही है क्योंकि समाज से तो बाहर रह ही नहीं सकते ना। कोई भी कहाँ रहेंगे? समाज में ही रहते हैं। समाज के हिसाब से चलना, समाज में रहना, समाज में अपना योगदान देना, समाज से योगदान लेना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, अर्थात समाज के हिसाब से चलना, समाज के हिसाब से ढलना रहना, ठीक है। तो क्या होगा? सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए। देखिए, नर्सरी कक्षा के बच्चे अर्थात ढाई से तीन वर्ष के बच्चे को आजकल क्या है? नर्सरी स्कूल में दाखिल कर देते हैं, एडमिशन दे देते हैं, ठीक है। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? अब बताइए मुझे, नर्सरी में जो बच्चा जाएगा वो कहाँ से सीखा रहेगा भाई? मेरा प्रिय मित्र से, मेरा पड़ोस से, मेरा परिवार से, या फिर मेरा विद्यालय। अर्थात ढाई वर्ष या तीन वर्ष के जो बालक है वो कहाँ से सीखा रहता है? जो कुछ भी उनमें जो ज्ञान है, जहाँ से वो अर्जन किए हैं, कहाँ से अर्जन किए रहते हैं? तो अपने परिवार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने परिवार से। दोस्त यार से भी ग्रहण करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होगा? अपने परिवार से, क्योंकि परिवार के साथ ही रहेंगे ढाई साल तीन साल के बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। एक कक्षा में क्या है? शिक्षार्थियों, बच्चों से कहा गया कि वह अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधियां? एक क्लास में बच्चों को कहा गया कि आप अपने समाज के प्रति क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक लीजिए और उसमें एक फॉर्मेट तैयार कीजिए और उसमें बताइए कि आप समाज के बारे में ये कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका आप तुलना कैसे कर सकते हैं, गणना कैसे कर सकते हैं, या फिर किस में सुधार चाहिए, तो इसके बारे में आप एक नोटबुक तैयार कीजिए। तो इस तरह की जो नोटबुक गतिविधियों को जो तैयार करेंगे उसको क्या कहा जाएगा? पोर्टफोलियो आकलन, निबंधात्मक आकलन, घटनावृत्त अभिलेख, या फिर समस्या समाधान आकलन। तो इस प्रकार जो डेटा तैयार किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा भाई? पोर्टफोलियो आकलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पोर्टफोलियो आकलन कहा जाएगा, क्लियर है। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। देखिए एक शिक्षक जो है क्या है, बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस माध्यम से विकसित कर सकता है? अनुशासन की अनुभूतियों को विकसित करके, या फिर आदर्श रूप में बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या फिर प्रवचन देकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। देखिए बच्चे में समाज के प्रति मूल्यों को विकसित करना है एक क्लास टीचर को, तो वह क्या करेगा भाई, आदर्श रूप में बर्ताव करके, अर्थात वह खुद ऐसे बर्ताव करेगा बच्चों के साथ सद्भावनापूर्ण, अच्छे से सहयोगात्मक, इस तरह से जब एक क्लास टीचर का व्यवहार अच्छा रहेगा तो बच्चे क्या है, बच्चे जो है स्कूल में किससे देखकर सीखते हैं, अपने क्लास टीचर को ही देखकर सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदर्श रूप में बर्ताव करके। क्लियर है? चलिए अगला है, फिर बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका होती है। देखिए एक बच्चे की समाजीकरण में परिवार की किस प्रकार की भूमिका होती है, रोमांचकारी भूमिका, मुख्य भूमिका, गौण भूमिका, या फिर कम महत्वपूर्ण भूमिका। तो देखिए समाज के प्रति बोल रहे हैं ना, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रति जो परिवार का योगदान है वह किस तरीका का होता है, तो किस तरीका का होता है, ध्यान रखेंगे कम महत्वपूर्ण। इसका रीजन क्या है, देखिए समाज के प्रति बोल रहे हैं, मतलब समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समाज में क्या होना चाहिए, यह जो बच्चे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति कहाँ से सबसे ज़्यादा सीखेंगे, समाज में रहकर, या फिर समाज में आना जाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन, बैठक, ये सब में जाकर सीखते हैं। तो इसमें परिवार का जो भूमिका रहता है वो कम रहता है, किसका ज़्यादा रहता है, समाज का ज़्यादा रहता है। समाजीकरण जो प्रक्रिया है इसमें भूमिका जो है समाज का अधिक रहता है, परिवार का कम रहता है। क्लियर है? परिवार में अपने परिवार के बारे में बात करेंगे, लेकिन समाज में पूरे समाज के बारे में चर्चा होता है। चलिए अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए भाई, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए जो संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी जो गतिविधियां हैं क्या होनी चाहिए, सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, या फिर अलग से संचालित करना चाहिए, या फिर अतिरिक्त समय में कराना चाहिए। तो देखिए बच्चों को जो है कहानी, कथा, खेल, भावना, या फिर संगीत है, कहानी है, नाटक है, कला है, शिल्प मतलब कुछ बनाने को सिखाना, खेल है, यह बच्चों में कैसे होनी चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक जो बालक है ना, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके पाठ्यक्रम में खेल, कहानी, नाटक, ये सब क्या है, शामिल होना चाहिए प्रत्येक दिन। प्रत्येक अर्थात ताकि बच्चे प्रतिदिन उसको पढ़ेंगे तो प्रतिदिन रोमांचित होंगे, प्रत्येक दिन कहानी सीखेंगे, प्रत्येक दिन नाटक सीखेंगे, और प्रत्येक दिन क्या है, खेल से संबंधित जानकारी सीखेंगे। तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, ताकि प्रत्येक विषय को रोज पढ़ते समय वो इसे सीख सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, खाली स्थान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो देखिए भाई क्या पूछा है, खाली स्थान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या है, मानव शिशु समाज के प्रति सक्रिय सदस्य के रूप में अपने आप को क्या है, ढालना चालू कर देता है ना, निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन मतलब ग्रहण करना सीख जाता है। तो कब से सीखता है, विकास से, समाजीकरण से सीखना, या फिर परिपक्वता। तो समाजीकरण, देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में क्या है, अपने आप को निष्पादित या फिर ढालना चालू कर देते हैं, आवश्यक कौशलों का क्या है, अर्जन प्रारंभ करना स्टार्ट या फिर चालू कर देते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत। देखिए विकास के जो मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया भाई, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, इरिक्सन ने किया है, फ्रायड ने किया है, या फिर कोहलर ने किया है, या फिर वाटसन ने किया है। तो ध्यान रखेंगे विकास के जो मनोसामाजिक सिद्धांत है इसका
प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन किया है इरिक्सन के द्वारा। किसने किया है? इरिक्सन के द्वारा किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? आर्थिक कारण, सामाजिक परिवेश, परिवेश जन्य तत्व, मतलब समाज में परिवेश कर रहे हैं उसको, है ना। फिर है शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। तो आपको पूछा है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या हो जाएगा? सामाजिक प्रवेश जन्य तत्व, अर्थात समाज में जो प्रवेश करने में जो बाधाएं, सहयोग ये मिलती है, वो क्या हो जाएगा? समाज को प्रभावित करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, अर्थात किसी वस्तु, एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, इस सब पर ध्यान न देकर किसी एक ही वस्तु या किसी एक ही चीज पर क्या है, अपनी जो चेतना है, ध्यान को क्या है, केंद्रित करना अवधान, यह कथन है। यह कथन किसका है? डम्बिल का, रॉस का, मन का या फिर मैकडूगल का। तो यह कथन ध्यान रखना क्या है जी भाई, एक ही वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना, यह कथन किसका है? डम्बिल का है। ध्यान रखना किसका कथन है, यह डम्बिल का कथन है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? देखिए, उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण कौन सा है आपको बताना है। हठी प्रवृत्ति का होना, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना या फिर वीर पूजा। तो देखिए, उत्तर बाल्यावस्था सबसे पहले होता है आपका 0 से 2 वर्ष को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है। फिर है आपका 2 से 6 वर्ष को कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, ध्यान रखेंगे। फिर है आपका 7 वर्ष लेकर 12 वर्ष को कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, तो आपको पूछा है ये 7 से 12 वर्ष के वाला पूछा है, ठीक है। तो क्या पूछा है आपको, उत्तर बाल्यावस्था की लक्षण है। तो उत्तर बाल्यावस्था में ध्यान देंगे बालक क्या है, हठी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। क्लियर है भाई, क्या हो जाते हैं, हठी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। चलिए अगला है। फिर विद्यालयों में सहपाठ्योत्तर गतिविधियों क्यों आयोजित की जानी चाहिए? विद्यालय में क्या है भाई, सहपाठ्योत्तर मतलब सहायक, जो पढ़ने में सहायक हो, एक दूसरे की मदद करता हो, विद्यालय में सहपाठ्योत्तर गतिविधियों क्यों आयोजित करनी चाहिए? देखते हैं, ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक होगी या फिर ये छात्र के समग्र विकास में सहायक होगा, ये शुल्क लेने को नियोजित ठहराने में सहायक होगा या फिर ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। तो देखिए, इसका कारण क्या हो जाएगा भाई, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है। क्या हो जाएगा, यह जो सहयोगात्मक विद्यालय में सह पाठ्योत्तर गतिविधि जो होगी, सहयोगात्मक जो पाठ्य गतिविधि होगी, वो क्या हो जाएगा, बच्चे में समग्र विकास के लिए सहायक होगा, ठीक है। बच्चों में क्या होगा, समग्र विकास के लिए सहायक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों मतलब माता पिता, है ना, अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, अर्थात उनके साथ रहना बोलना, मतलब उनके साथ बैठना उठना कम हो जाता है, वह अवस्था आपको बताना है। शारीरिक विकास के कारण होता है, मानसिक विकास के कारण होता है, भाषा विकास के कारण होता है या फिर सामाजिक विकास के कारण होता है। तो देखिए, वह अवस्था जब बालक क्या है, अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, तो इसका कारण क्या हो जाता है, सामाजिक विकास बच्चों में उत्पन्न होना, अर्थात समाज के प्रति जब बच्चे को रुचि बढ़ने लगता है, समाज के प्रति में किस चीज़ को जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगती है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, समाज में ये क्यों होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, ये सब जब बच्चे क्या है, समाज के प्रति जब सोचना चालू कर देते हैं, तो इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा, सामाजिक विकास के कारण जो है बालक जो है अपने माता पिता से दूरी, थोड़ा सा दूरी बनाने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष को नहीं है, अर्थात
ऑप्शन चारों में से कौन सा ऐसा कथन है जो भावात्मक रूप से संबंधित नहीं है। तो देखिए, स्वीकार करना भावात्मक है, बिल्कुल सही है। आज्ञा पालन करना भावात्मक है, ये भी सही है। फर्क करना ये नहीं है ना। प्रभावित करना, प्रभावित करना भी क्या हो जाएगा, भावात्मक क्रिया होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, फर्क करना। फर्क करना या फिर फर्क करना मतलब किसी चीज वस्तु या फिर किसी में तुलना करना, फर्क करना, ये क्या है आपकी तार्किक योग्यता को बताता है। किसको बताता है, तार्किक। तो क्या हो जाएगा, फर्क करना ये संबंधित नहीं है भावात्मक ज्ञान से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम अर्थात जो बच्चे सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं या फिर व्यक्ति सबसे पहले कहाँ सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, सरकार से या फिर मीडिया से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण का जो माध्यम है वो क्या है, परिवार होगा। परिवार क्या है, प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। विद्यालय जो है दूसरी है, ठीक है। प्रथम क्या है, आप ध्यान रखेंगे प्रथम होगा परिवार, दूसरी हो जाएगा विद्यालय और मीडिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है। फिर जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों अर्थात अपने शिक्षक समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह निर्देश अनुरूपता का, अनुपालन का या फिर समूह की अनुरूपता का, समूह की पहचान का या फिर समूह आज्ञाकारिता का। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं ना। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको जरूर करना है ताकि हम उसका रिप्लाई आपको दे सके। ठीक है भाई, चलिए। तो देखिए, आप एक शिक्षक समूह से में शामिल होते हैं तो अगर शिक्षक समूह ने एक विशेष वर्दी धारण की, आप उसी में आपको भी वही वर्दी धारण करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समूह की अनुरूपता अर्थात समूह में जैसा दिख रहा है समूह वैसे आपको भी दिखना है। तो इसका कारण क्या होगा, समूह की अनुरूपता। जैसे पुलिस वाले एक ही कलर की वर्दी पहने रहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, किसी विशेष कॉलेज या स्कूल में एक ही कलर के ड्रेस पहने रहते हैं बच्चे, तो क्या हो जाएगा, समूह की अनुरूपता अर्थात जो ग्रुप है, संगठन है, उसी के जैसे आपको भी बनना है और उसी के जैसे क्या है, वस्त्र धारण करना होगा। ठीक है, समूह की अनुरूपता के लिए। चलिए अगला है, पुरुष और महिला की भूमिका निर्धारण समाज करता है। बिल्कुल, समाज निर्धारण करता है, पुरुष क्या करेगा महिला क्या करेगा, ये लगभग लगभग समाज पर बहुत सारे चीज, हर चीज नहीं बोल सकता लेकिन बहुत सारे चीज को है लिंग पर डिपेंड होता है। ठीक है, महिला भूमिका का निर्धारण करता है यह कथन बताता है। तो यह कथन किसको बताता है, लैंगिकता एवं अंतर्ज्ञानी अवतरण को, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण को, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण को या फिर लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा को। देखिए, ये अनुवांशिक है क्या, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अंतर्ज्ञानी अवतरण ये भी गलत हो जाएगा, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण ये भी बिल्कुल गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, लैंगिकता अर्थात पुरुष और महिला का अलग अलग लिंग है ना, वो क्या है, स्त्रीलिंग और पुरलिंग। ठीक है, तो क्या होगा, लैंगिकता एवं समाजीकरण का क्या हो जाएगा, अवधारणा। मतलब जो है लिंग क्या है, वो समाज में अलग अलग कार्य करते हैं और अलग अलग विचारधारा, अलग अलग कार्य इन दोनों के द्वारा क्या है, किए जाते हैं। तो क्या होगा, लैंगिकता का समाजीकरण में अवतरण। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। देखिए, निम्न में से कौन सा है भाई जो सामाजिक मूल्य है, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता। आपको क्या बताना है, सामाजिक मूल्य कौन सा है, समाज से संबंधित कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार। हम एक समाज में रह रहे हैं तो समाज में जो वास्तविक मूल्य है क्या है, सामाजिक मूल्य है। समाज में क्या है, सहयोग करना, सहयोग देना, सहयोग लेना, एक दूसरे की मदद करना, ये क्या हो जाएगा भाई, सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सहायता परक व्यवहार रखना, एक दूसरे की मदद करना। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए। वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के साहचर्य से या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, कोई नई भाषा आपको सीखना है, उर्दू, फारसी, कोई भी नई भाषा सीखना है तो आप क्या डायरेक्ट
उसके वाक्यों को पढ़कर सीख सकते हैं, बिल्कुल गलत है। फिर है शब्द को सीखकर, बिल्कुल गलत है शब्द निर्माण को। तो क्या होगा, अक्षरों व शब्दों के माध्यम से, अर्थात सबसे पहले क्या सीखेंगे, उसके शब्द को सीखेंगे, फिर सीखेंगे हम शब्द, सॉरी किसको सीखेंगे, अक्षर को सीखेंगे। सबसे पहले किसको सीखेंगे, अक्षर को, फिर अक्षर से क्या बनता है शब्द, अक्षर जानने के बाद ही शब्द जान सकते हैं, और शब्द के बाद क्या बनेगा, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। तो क्या होगा, पहले अक्षर को जानेंगे, फिर अक्षर को मिलाकर शब्द बनाएंगे, और शब्द शब्द मिलाकर क्या बनाएंगे, वाक्य का निर्माण करेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है फिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अक्षरों अक्षरों व शब्दों के सहचर्य से। क्लियर है भाई, चलिए अगला है, किंडरगार्टन विधि है। किंडरगार्टन कौन सी विधि भाई, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है, फ्रोबेल ने किया है, मोंटेसरी ने किया है, कुक ने किया है, या फिर डॉल्टन ने किया है। तो देखिए शिक्षा की जो किंडरगार्टन विधि है ना, ध्यान रखेंगे, शिक्षा की जो किंडरगार्टन विधि है इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो ध्यान रखेंगे फ्रोबेल ने किया है। किसने किया है, शिक्षा का किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रोबेल के द्वारा किया गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंथ फेनेबर्नर, देखिए वैज्ञानिक का नाम है, थोड़ा सा लंबा है भाई। ब्रोंथ फेनेबर्नर की पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का एक परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं। विद्यालय में जो बच्चे में विकास होता है ना, जो सामाजिक विकास होता है विद्यालय से, परिवार से, घर से, ठीक है, ये दिखा है, विद्यार्थी, परिवार, साथी, विद्यालय आदि से जो विकास प्रभावित होता है उसका संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं, काल तंत्र से, सूक्ष्म तंत्र से, बृहत तंत्र से, बाह्य तंत्र से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, सूक्ष्म तंत्र। सूक्ष्म तंत्र का मतलब है कि जो बच्चे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है जो समाज के प्रति में, समाज से कुछ सीख रहे हैं, समाज के बारे में जान रहे हैं, तो वह जो है समाज में जो सीख रहे हैं वो क्या है, सूक्ष्म तरीके से, अर्थात विद्यालय से कुछ भी कुछ ना कुछ सूक्ष्म तरीके से सीख रहे। ये नहीं है कि विद्यालय से सभी ज्ञान को वहीं से सीखा गया हो, या फिर सभी ज्ञान साथी से सीखा हो, या सभी ज्ञान क्या है, विद्यालय से सीखा हो। तो सभी से थोड़ा थोड़ा सभी से सीख रहे हैं, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, सूक्ष्म तंत्र से, ठीक है, सभी में सूक्ष्म मात्रा से सीख रहे हैं। चलिए अगला है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है जहां, देखिए स्कूल जो है बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है, क्या है भाई, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल के दिनचर्या का होता है। तो देखिए स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है जहां क्या है, प्रमुख स्थान जहां स्कूली बच्चे क्या है, सीखते हैं, क्या हो जाएगा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ठीक है, स्कूल में क्या है, स्कूली बच्चे ही रहते हैं। क्लियर है, चलिए अगला है फिर, निम्न में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, परिवार एवं आस पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं आस पड़ोस। देखिए सबसे पहले बच्चे जो सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, समाज के प्रति हो चाहे अपने बारे में हो, कहीं से भी सबसे पहले जो सीखते हैं कहाँ से सीखते हैं, अपने परिवार अपने घर से सीखते हैं, ठीक है। तो प्रथम तो होगा आपका घर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रथम। दूसरा जो होता है आपका विद्यालय, दूसरा जो होता है आपका विद्यालय और मीडिया, मीडिया मतलब वातावरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। आपको क्या पूछा है, द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, तो क्या होगा, विद्यालय एवं मीडिया जो है द्वितीय समाजीकरण की एजेंसी का उदाहरण है। क्लियर है, चलिए अगला है फिर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए क्या है भाई, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्यों तथा अभिप्रेरणों का विकसित करते हैं अपने आप में, ठीक है, जो उन्हें समाज में जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है,
उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना या फिर विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजीकरण। क्या होगा इसका राइट आंसर? समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल और मूल्यों को, अभिप्रेरणों को क्या है, विकसित करते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाजीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया, मतलब किसी माध्यम से एक विद्यार्थी को कुछ बताया जा रहा है, विद्यार्थियों को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग, अर्थात वो जो समाज में रहते हैं ना, कि जो उसके सामाजिक वर्ग के लोग हैं शैक्षणिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, अर्थात जो बच्चे हैं उनके जो वर्ग के लोग हैं, सामाजिक वर्ग के लोग हैं, उनका क्या है, शिक्षा में निम्न स्तरीय प्रदर्शन है, मतलब कुछ खासा नहीं, बहुत कम प्रदर्शन है, मतलब निम्न स्तर का, है ना, कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षणिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंकाओं को, प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? देखिए, किसी बच्चे को किसी माध्यम से यह पता चल रहा है कि उसका जो समाज है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जीरो, मतलब एक तरह से उस बच्चे के लिए प्रताड़ना हो रहा है ना, बच्चे के लिए क्या हो रहा है, प्रताड़ना हो रहा है, तो उस बच्चे को इस प्रताड़ना से एक शिक्षक कैसे निकाल सकता है? तो शिक्षक को इसे निकालने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए? इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। फिर है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर है, विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। फिर है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, अगर किसी तरीका से बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनको, या बाकी जो बच्चे प्रताड़ित कर रहे हैं उनको यह बताना चाहिए कि हर समाज में ये व्यक्ति हुए हैं और ये महान कार्य किए हैं, जैसे अंबेडकर जी हो गए हैं और आपका मदर टेरेसा जी हो गए, तो उनके समाज के प्रति में उनके वर्गों को क्या है, जानकारी प्रदान करना चाहिए, ताकि जो प्रताड़ित हो रहे हैं और जो प्रताड़ना कर रहे हैं उनको भी ये पता चले कि हर समाज में अच्छे लोग होते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों की समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या फिर द्वितीय एजेंसी है। मैंने आप लोगों को बताया है, परिवार जो है वो समाजीकरण की क्या है, प्रथम एजेंसी है। क्या है? प्रथम एजेंसी होगा। क्लियर है भाई? क्या हो जाएगा? प्रथम एजेंसी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे चैनल पर करेंट अफेयर का डेली करेंट अफेयर होता है, तो आप लोग हमारे चैनल के में लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, रोज 6:30 बजे करेंट अफेयर का डेली क्लासेस होता है, तो आप वहां से छत्तीसगढ़ और ऑल ओवर इंडिया का करेंट अफेयर वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फरवरी और मार्च मंथ का करेंट अफेयर पूरे महीने का एक साथ अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, बिल्कुल गलत है, सही है ना, बिल्कुल सही। विद्यालय क्या है? समाजीकरण का द्वितीय कारक है, सही है भाई। और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही है। आपको पूछा क्या है, सही कथन बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक है, बिल्कुल गलत है, प्राथमिक क्या है, परिवार है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। ध्यान रखेंगे, प्राथमिक जो है आपका परिवार होगा, दूसरा जो होगा समाज और विद्यालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका आपको बताना है। बच्चों की समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, की बहुत भूमिका होती है, प्राथमिक भूमिका होती है, द्वितीय भूमिका होती है, तो विद्यालय की जो भूमिका है बच्चों की समाजीकरण में वो कौन सी भूमिका है, द्वितीय कारक है, ध्यान रखेंगे, द्वितीय भूमिका है। प्रथम जो है आपका परिवार है, दूसरा है मीडिया और स्कूल,
ठीक है। चलिए अगला है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिससे बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं, आरंभिक संज्ञानात्मक और कौशल विकसित करते हैं, यह कहलाती है। देखिए, बच्चे जब अपने आप को जानना, समझना, समाज को जानना, अपने बारे में जानना जब सीखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्रारंभिक समाजीकरण कहा जाता है, द्वितीय समाजीकरण कहा जाता है, प्रच्छन्न अवरिक समाजीकरण या फिर सक्रिय समाजीकरण। तो देखिए, परिवार में अर्थात जो बच्चे पहले सीख रहे हैं, परिवार में सीख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण होगा। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक समाजीकरण या फिर प्राथमिक समाजीकरण होगा। क्लियर है भाई? चलिए अगला है, फिर सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्था में प्रवेश करके सीखते हैं। तो देखिए, स्कूल में जो बच्चे प्रवेश करके सीखते हैं वह समाज की कौन सी प्रक्रिया है? परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण। तो जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं वह क्या हो जाएगा? आपका द्वितीय समाजीकरण। क्या होगा इसका राइट आंसर? द्वितीय समाजीकरण। ठीक है भाई? चलिए, और हाँ, छत्तीसगढ़ का जो MCQs है टॉपिक वाइज हमारे चैनल पर रोज रात 9 बजे लाइव क्लास होता है, तो आप वहां से छत्तीसगढ़ का MCQ भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? कौन सा कारक समाजीकरण की प्राथमिक कारक नहीं है? तो देखिए, परिवार, आस पड़ोस, समकक्षी या फिर सरकार। तो प्राथमिक कारक नहीं है पूछा है आपको, है ना? प्राथमिक कारक के अंतर्गत क्या शामिल नहीं होगा? सरकार शामिल नहीं होगा, अर्थात राजनेता, नेता, सरकार, इससे बच्चे को कोई संबंध नहीं है। प्रारंभिक मतलब जिस समय बच्चे सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? सरकार प्राथमिक कारक नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।